हमारे बीच मौजूद गांधिया के शिव मंदिर के मुख्य पुजारी हम कह सकते हैं, इनसे जानते हैं कि जो आज जो वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया गया, इसके पीछे सर आप मकसद क्या, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सर्वप्रथम शरीर की रक्षा करना बहुत ही अनिवार्य है। और आजकल के महामारी में यह जो कोरोना बीमारी चली हुई है, इससे सबके लिए बहुत ही हानिकारक है और यह मृत्यु कारक है। जब हम रहेंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं, तो इसके लिए वैक्सीन जो सरकार निकाली है, हम लोग तो सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इससे जीवन रक्षा है। इसलिए सभी को यह जो सुई दी जा रही है, जो कोरोना की दवा दी जा रही है, अनिवार्य है और सबको लेना चाहिए। सर विपक्ष द्वारा बार बार ही, कांग्रेस या कोई भी बोले, बार बार ये कहा जा रहा था कि कोरोना वैक्सीन लेने से हमें कोरोना हो जाएगा, और इसको लेकर आप देख रहे हैं खुटी के तोरपा जिले में भी लोगों ने ये हमला कर दिया सरकारी कर्मचारी के ऊपर। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे बहुत ही गलत बात है, यह जीवन के रक्षा के लिए किया जा रहा है। इसमें अगर कोई विरोध करता है, इसमें अपना सियासत फैलाना चाहता है, तो बहुत बड़ा ही दोष है। इसमें तो सबको मिलकर करना है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कहें कि जनता की रक्षा करना बहुत ही अनिवार्य है। इसलिए बात गलत है, इसमें भेद डालना उचित नहीं है। मेरा नाम बताओ। मेरा नाम डॉक्टर बालेश्वर नाथ पाठक, काके रोड शिव मंदिर, गांधीनगर जी। तो सरकार के द्वारा जो काम किया जा रहा है वैक्सीनेशन को लेकर, इसको लेकर बहुत सारे आम लोगों का और विपक्ष का ये भी कहना है कि जो वैक्सीनेशन दिलवा रहे हैं बहुत कम मात्रा में हो रहा है, जो जैसे फास्टली होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा। तो सर एक आम आदमी होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो देख रहे हैं, हमारे देखने में जो कुछ लग रहा है, हमको लगता है कि सरकार की कहीं कोई कमी नहीं है। निरंतर जो है वैक्सीनेशन चल रहा है। अब आज देखिए, आज यहीं पर मंदिर पर हुआ, तो हम तो नहीं करा दिए बुला करके, सरकार के द्वारा ही व्यवस्था की गई और यहाँ इतना लोग आए और वैक्सीनेशन हुआ, सबको दिया जा रहा है। इसलिए तो मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका इसी तरह प्रयास रहे तो जनता का मंगलमय हो, मृत्यु दर एकदम समाप्त हो जाए। मैं तो यह देख रहा हूँ और यही चाह रहा हूँ।